हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद रिद्धिमन। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड जो आपके दो पेपर होते हैं, पेपर वन जीके का और सेकंड पेपर आपकी सब्जेक्ट का। तो किस तरीके से जो है वो हम टाइम टेबल बनाएं जिससे कि सभी सब्जेक्ट कवर हो सकें और इतने अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए कि लास्ट टाइम जो है वो हमारे पास रिविजन का टाइम जो है वह भी बच सके, ठीक है, और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से टाइम टेबल मैंने बनाया है, यदि आपको सही लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट जो है खुद टाइम टेबल अपना खुद का तैयार करता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग ही तय करता है कि आज हमें जो है ये टॉपिक जो है वो पढ़ लेना है, और जब तक हम एक जगह से खड़े नहीं होंगे जब तक हमारा ये पूरा नहीं हो जाता, या फिर हमने जो है जो भी पढ़ाई की है और रात को जो है वो हमें ये सभी की जो है रिविजन करके सोना ही है। तो जो खुद तैयार किया जाता है वो सबसे ही सटीक माना जाता है, सबसे सही माना जाता है। फिर भी आप लोगों की डिमांड पर कि जो सेकंड ग्रेड जो है हमारे दो पेपर है और इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हम कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़ाई करें ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ सके, हमारा सिलेक्शन हो सके। तो यहाँ हम टाइम टेबल की बात करेंगे, किस तरीके से सारे सब्जेक्ट आप कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, दोनों ही पेपर में आपको कितने कितने मार्क्स लाने हैं। आपको पता है आपको 500 मार्क्स का आपका जो है पेपर होता है, जिसमें 200 मार्क्स जो है वो आपका फर्स्ट पेपर होता है और 300 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर होता है। दोनों ही पेपर अपनी जगह महत्वपूर्ण है। मिनिमम 40% मार्क्स जो है हर पेपर में आपको लाने हैं, सभी को पता है, लेकिन 40% से आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ 40% जो है वो समझकर नहीं चलना है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ऐसी बात बताऊंगी मैं कि आप लोग जो हैं ऐसा नहीं सोचना है। आपको जिस तरीके से आपने पिछला जो रीट का एग्जाम दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि 130 जो है वो टारगेट लेकर ही चलना है, और जो बच्चे ने मेरी बात सुनी थी तो देखिए वो लोग जो है रीट मेंस की तैयारी भी जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, चाहे उनकी आंसर की बाद में आई है या रिजल्ट बाद में आया है, क्योंकि सभी को पता है कि हमारा सिलेक्शन तो फर्स्ट पेपर तो हमारा क्लियर है, सेकंड पेपर की अब हमें करनी है। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो 500 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, तो आपको कितने मार्क्स आप लाएंगे और लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, तो उसको थोड़ा सा अनुमान लगाकर हम जो है तैयारी करें कि फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स लाएंगे, सेकेंड पेपर में कितने लाएंगे। तो यहाँ पर 10 घंटे का जो है टाइम जो है वो मैंने रखा है कि 10 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही है, इससे कम जो है यदि पढ़ाई करते हैं आप तो काम नहीं चलेगा। 10 घंटे तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई जो है हाउसवाइफ हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, चाहे उसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है या फिर जो है अपने रूम को जो है लाइब्रेरी बनाकर वो पढ़ रहा हो, 10 घंटे तो आपको करनी ही है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, एक दिन जो है वो 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते हैं और नेक्स्ट डे क्या करते हैं, आराम करते हैं। यहाँ पर जो बच्चा जो है वो रेगुलर रहेगा, रेगुलर का मतलब है डेली आपको पढ़ना है, डेली आपको नींद लेनी है, ठीक है, हर चीज आपको करनी है, लेकिन फालतू काम नहीं करने हैं, जैसे कि घूमने चले गए या किसी दोस्त के पास जो है वो बैठकर 2-2, 3-3 घंटे जो है वो गप्पे मारने लगे, या फिर आप क्या करने लगे कि एक दिन जो है वो आपने बहुत अधिक पढ़ाई कर ली, सेकंड डे जो है वो आराम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रेगुलर 10 घंटे पढ़ाई, 7 घंटे नींद, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसके अलावा यदि टाइम बचता है तो आप जो है वो अपने जो भी साथी होते हैं उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, और कोई क्या कर रहा है इससे आपको कोई भी मतलब नहीं रखना है, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है यदि आप वाकई में सिलेक्शन चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए 5 बजे जो है हर कोई जग जाता है, आपको पता है घर में जो है बड़े बूढ़े वो भी जगते हैं, और एक स्टूडेंट जो है उसको 5 बजे तो जगना ही चाहिए, 4:30, 4:30 जो है वो जग ही जाना चाहिए। यहाँ 5 बजे का मैंने जो है वो पढ़ाई का टाइम जो है स्टार्ट किया है, इससे पहले जो आप प्रेस वगैरह हो लेते हैं, और 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, यानी कितना हुआ, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है। साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि समझ पर आधारित होता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है साइकोलॉजी पढ़ेंगे और शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, साथ में नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, डिसाइड कर लें कि आपको जो है 1 वीक में 6 दिन जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। 7वां दिन क्या होता है, संडे का होता है, संडे को जो है वो आप थोड़ा सा रेस्ट या फिर जो भी आपके काम 6 दिन अधूरे रह जाते हैं उनको आप पूरा करें, ठीक है, संडे के दिन, या फिर कोई टेस्ट पेपर जो है वह भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो 6 दिन की यदि हम बात करें तो 4 दिन जो है वो आप साइकोलॉजी पढ़ें, 2 दिन आप जो है शिक्षण विधियां पढ़ें, दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल है।
फर्स्ट पेपर जीके जो है उसमें आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, सेकंड पेपर जो है आपका सब्जेक्ट का उसमें आपको शिक्षण विधियां पढ़नी है। दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है। तो दोनों ही आप जो है वो ये 1.5 घंटा जो है वो आपको इसी को देना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है वो टाइम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई टॉपिक जो है जो कि आपका मान लीजिए 1 घंटे में पूरा हो गया है, तो आप जो है कि हाँ आज हमारा तो टॉपिक ही पूरा हो गया है, ठीक है, तो 1 घंटा जो है 1 घंटा पढ़ लें। ऐसा कुछ भी नहीं कि 1.5 घंटा लिखा है तो 1.5 घंटा ही पढ़ना है, थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। उसके बाद देखिए 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है आप अपना कोई भी जैसे नहाना धोना हो गया, जो भी आप कार्य करते हैं सुबह के, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, ये सब कर सकते हैं। जो भी हाउसवाइफ होती हैं वो खाना वगैरह तैयार करती हैं, ठीक है, जिनके बच्चे भी होते हैं वो बच्चों को भी देखती हैं, तो ये सब आप करेंगे। या फिर जिनके बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं तो वो स्कूल भी जाते हैं इस टाइम। यानी कि 9 बजे आपको फ्री हो जाना है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो 9 बजे आप जो है 9 से लेकर 11 बजे 2 घंटे, 2 घंटे आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं देखिए इतिहास, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। यहाँ तीनों सब्जेक्ट मैंने क्यों लिखे हैं कि जो इतिहास पढ़ते हैं हम तो उसमें समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र तो ये थोड़ा बहुत आपका कवर होता ही है इतिहास में, ठीक है। और समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र इतना ज्यादा कठिन सब्जेक्ट भी नहीं है। यहाँ पर भी आप डिसाइड करने के 3 दिन जो है वो आप इतिहास पढ़ेंगे, 3 दिन जो है वो या तो समाजशास्त्र पढ़ेंगे या दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी एक दिन जो है जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेनेसडे आपने जो है क्या पढ़ा, इतिहास पढ़ा, उसके बाद जो है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या तो आप सोशियोलॉजी पढ़ें या आप फिलोसॉफी पढ़ें, एक सब्जेक्ट पढ़ें। अब देखिए सारे सब्जेक्ट ही आपको कवर करने होंगे, ऐसा नहीं है कि आप जो है एक दिन में केवल हिस्ट्री ही पढ़ते रह गए पूरे दिन, नहीं, पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। और वाकई में यदि माने तो कोई भी सब्जेक्ट जो है 2 घंटे से ज्यादा यदि हम पढ़ते हैं वो समझ में भी नहीं आता है, और सब्जेक्ट जैसे ही बदल देते हैं वो हमें समझ में आने लगता है। तो 2 घंटे काफी होते हैं हिस्ट्री के लिए, ठीक है। या फिर आपने 3 दिन हिस्ट्री पढ़ ली है और उसके बाद जो है वो यदि आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे काफी हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो है हर सब्जेक्ट कवर भी होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए उसके बाद देखिए फिर हमने देखा कि 11 बजे तक जो है वो हमने पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 11 से लेकर 1 बजे तक आप जो भी घर का काम जो होता है, चाहे वो लंच होता है या फिर जो है अपने घर वालों से बात करनी होती है, कुछ भी हो, 11 बजे से 1 बजे तक आपको क्या करना है, पढ़ाई नहीं करनी है। 1 बजे बैठ जाए आप पढ़ाई करने, ठीक है, दोपहर के 1 बजे जो है शांत माहौल होता है। और 3 बजे तक जो है, यानी कि यहाँ पर यदि हम गृहिणियों की भी बात करें, यानी सभी को लेकर मैं चल रही हूँ, 1 बजे से 3 बजे तक जो है वो आप फ्री ही होते हैं, ठीक है। नहीं भी होते हैं तो आपको यहाँ फ्री होना पड़ेगा यदि आप पढ़ाई करेंगे। और सभी के परिवार वालों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जिनको टाइम नहीं मिल पाता है तो उनके साथ जो है उनके टाइम टेबल में सहयोग करें, 1 से 3 बजे तक जो है बिल्कुल फ्री जो है उनको छोड़ें जिससे कि वो पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 घंटे आपको क्या करना है, इंडिया और वर्ल्ड का जो जीके है वो आपको पढ़ना है 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे काफी हैं, कई बच्चे जो है 4-4 घंटे एक ही सब्जेक्ट को देते हैं। 4 घंटे देखिए ऐसा पढ़िए कि वो याद हो सके, समझ में आ सके, ये नहीं है पूरे दिन एक ही बुक को लेकर जो है वो पढ़ते रहे। 2 घंटे काफी होते हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी होगा। अभी जो है आपने 11 से लेकर 1 बजे तक जो है वो बिल्कुल पढ़ाई जो है वो यहाँ पर आपने थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश छोड़ा है, ठीक है, कुछ और काम करने लगे हैं, तो आप फटाफट से जो है वो यदि पढ़ने बैठेंगे 1 बजे तो आराम से आपको इंडिया वर्ल्ड का जो जीके जो है वो आपको याद होगा, ठीक है। अब 3 बजे जो है, अब सुबह आप मॉर्निंग में 5 बजे जगे हैं तो आप थक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते भी थक जाते हैं और जो भी आपने काम किया है वो भी थक जाते हैं, बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, ठीक है। रेस्ट टाइम जो है वो बहुत जरूरी होता है, सोना नहीं है आपको यहाँ पर, रेस्ट करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि शाम के जो है वो 4:30 बज जाते हैं, तो आप जो है वो अब आपने रेस्ट कर लिया है, बॉडी और माइंड दोनों ने ही रेस्ट कर लिया है। 4:30 बजे जो है वो आप, उससे पहले आप जो भी चाय वगैरह लेते हैं, कॉफी लेते हैं, जो भी आप करते हैं, ठीक है, तो 4:30 से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर 1.5 घंटा, 1.5 घंटा जो है आप क्या करेंगे, या तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ये दोनों साथ में क्यों लिखे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते जो है वो इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट जो है वो शामिल हो ही जाता है, ठीक
ठीक है, कृषि है, उद्योग है, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा मैनेज होता ही है, और दोनों ही सब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से जो है वो थोड़ा मिलते जुलते हैं, तो ये आपका हो सकता है। उसी तरीके से जैसे आपने इतिहास में सोशियोलॉजी में किया, 3 दिन जो है वो आप क्या करेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, और 3 दिन जो है वो आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, कई बच्चे जो है वो ये बोलेंगे कि मैम जो है इतने सारे सब्जेक्ट एक दिन में कैसे पढ़ सकते हैं, आप खुद ही टाइम देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो है रेस्ट का टाइम भी मिल रहा है, यहाँ आप जो है वो अपने सारे सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे कवर भी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि 2 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब 6 बजे जो है आपने 1.5 घंटे जो है वो पढ़ाई कर ली, ठीक है, 1.5 घंटे पढ़ाई कर ली, आपको उसके बाद फिर पढ़ना है 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, ये ऐसा टाइम होता है 4:30 से लेकर 7:30 बजे तक का, कि यहाँ पर यदि आप किसी के साथ गप्पे लगाने बैठ गए तो 7:30 कब बच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको इनमें जो है वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। 6 बजे से 7:30 बजे तक जो है 1.5 घंटा आपको पढ़ना है। देखिए ये ना मैंने अपने तरीके से बनाया है क्योंकि मैंने भी फॉलो किया था इसे। ठीक है, यहाँ पर जो है धीरे धीरे आप देखेंगे कि यदि आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, टाइम ऐसे ही चला जाता है, पता भी नहीं चलता है, और एक भी सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन यहाँ टाइम को देख देख कर यदि आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइम टेबल हमको ये बोलता है, थोड़ी सी बाध्यता हो जाती है कि हाँ अब आप खड़े हो जाइए, 6 से 7:30 तक हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है, इस तरीके से जो है वो होक किया जा सकता है। ठीक है, तो 1.5 घंटे आप राजस्थान जीके को पढ़ेंगे, राजस्थान जीके पहले भी आपने पढ़ा है लेकिन अब आपको दोबारा से पढ़ना है, क्योंकि हर चीज जो है वो याद नहीं रहती है, पिछला जो भी आपने याद किया है दोबारा से उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 6 से 7:30 जो है वो आप क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का जीके पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइम तक आते आते ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए हमें जिनमें हमें थोड़ा सा जोर ना पड़े। ठीक है, उसके बाद देखिए 7:30 से लेकर 8:30 1 घंटे जो है जो भी आप घर के काम होते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा जो है वो काम को दे, यदि आप घर के कामों को 2 घंटे 3 घंटे देने लगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, फटाफट से आपको काम करना है, घर वालों को भी ये समझाना है कि हमने टाइम टेबल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा थोड़ा सा सहयोग करें, रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके बाद 8:30 से लेकर 10 बजे तक आपको फिर पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ना है। 1.5 घंटा आप क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, पहले आपने पढ़ी हुई है पॉलिटी, लोक प्रशासन आपके लिए नया सब्जेक्ट है इसे आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन ये जो है वो एक जैसे ही सब्जेक्ट जो है वो लगते हैं। ठीक है, पॉलिटी में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले भी पढ़ी हुई है आपने, और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट होता है वो कोई भी नहीं भूलता है, और मैंने भी जो है 2nd ग्रेड का जो कोर्स आप लोगों को करवाया है जीके फर्स्ट पेपर का, उसमें पॉलिटी इस तरीके से पढ़ाई है कि जीवन भर आप जो है आप याद रख सकेंगे, कभी आप नहीं भूलेंगे। 3rd ग्रेड का भी एग्जाम देंगे आप तो वहां पर भी पॉलिटी यदि पूछी जाएगी तो वहां पर भी आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद लोक प्रशासन ये भी आप इस तरीके से ही पढ़ें, चाहे आप 4 दिन पॉलिटी पढ़ें, 2 दिन लोक प्रशासन पढ़ें, या 2 दिन आप जो है क्या पढ़ें, 2 दिन आप जो है वो पढ़ें राजनीति विज्ञान, या फिर 4 दिन जो है वो आप यदि नया सब्जेक्ट है आपने कभी नहीं पढ़ा है तो 4 दिन इसको दें, ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपके जो है वो सारे सब्जेक्ट जो है वो आ गए आपके, फर्स्ट पेपर के भी और 2nd पेपर के भी। ठीक है, और आपने कितनी पढ़ाई की, आपने जो है वो 10 घंटे पढ़ाई की। फिर 10 बजे के बाद से लेकर 5 बजे तक का यदि आप लगाएंगे तो 7 घंटे जो है वो आप सो सकते हैं, और 7 घंटे जो है वो आपको सोना ही है, सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेली जो है वो आप कितने घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, और ये जरूरी है आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, आप लोगों को पता है कि जो भी चीज आप पढ़ेंगे सोच समझ कर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और यहाँ पर तुक्का जो लगाना है ये बिल्कुल भी अब नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप गलत करते हैं तो क्या होगा कि आपने जो सही किया है वहां भी मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए जो करंट अफेयर आपका बच गया, करंट अफेयर अभी से पढ़ना स्टार्ट ना करें, चाहे वो 3rd ग्रेड का बच्चा हो, चाहे 2nd ग्रेड का बच्चा हो, ठीक है, चाहे वो 1st ग्रेड का ही क्यों ना हो, करंट अफेयर यदि आप अभी से पढ़ते हैं तो वो सब भूल जाएंगे। ये आपको कब करना है, यदि आपके एग्जाम की डेट आ जाती है तो उसके 1 महीने पहले जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स आप बनाते रहें,
अब देखिए लास्ट ईयर जो है कट ऑफ कितनी गई थी, 500 का आपका क्वेश्चन पेपर था, तो इसमें जो है 325 मार्क्स जो है वो जनरल की गई थी। जनरल की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर, और अदर कैटेगरी में आपको छूट भी मिलती है, तो वो आप खुद ही बाद में आपको पता लगेगा। तो यहाँ 325 मार्क्स जो है वो आपको 500 में से लाने होंगे, ठीक है। 325 मार्क्स ये कंपल्सरी है, आपको ये टारगेट लेकर चलना है, जो भी सिलेक्शन पाना चाहता है ये टारगेट लेकर तो वो चलेगा ही। यानी फर्स्ट पेपर जो आपको 200 मार्क्स का होता है, इसमें आप 150 मार्क्स जो है वो आपको जरूरी लाना है, ठीक है, जरूर ये टारगेट लेकर ही चलना है। यदि आपने टारगेट डिसाइड नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे, 200 में से 150 मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे। और फर्स्ट पेपर जीके का जो है कोर्स, जो भी मैंने आपको करवाया है, उसमें आप इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको करवाया है, वीडियोस देखिए, आप हैंड रिटन नोट्स देखिए, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है उसमें कि आप एक क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में ना कर पाए, हर क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। जो सेकंड पेपर है वो आपका कितने मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है। तो इसमें जो है वो 300, देखिए आपने कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो यहाँ 180 मार्क्स जो है वो आप लेकर ही आएंगे, 300 में से 180 मार्क्स। तो 150 और 180 कितने हुए, 330 मार्क्स हुए। अब लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी, 325। अब पेपर के ऊपर डिपेंड करता है पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, ठीक है। यदि बहुत हार्ड आता है तो कट ऑफ तो डाउन चली जाएगी, यदि इजी आता है तो कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाएगी, ठीक है। तो हमें जो डिसाइड करना है कि हम जो है वो 330 मार्क्स ये लेकर आएंगे, ये टारगेट हमने डिसाइड किया है। अब कट ऑफ हाई जाएगी तब भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, और नहीं भी जाएगी तब भी हमारा काम चल जाएगा, यानी हमारा जो है सिलेक्शन तय है, ऐसा ही सोचकर आप चलेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड पेपर जो है उसमें हर सब्जेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में से 18 से 19 या 17 से 18 या 19, किसी सब्जेक्ट में 19 या किसी में 16 क्वेश्चन, इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रश्न जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि सेकंड पेपर जो है आपका सब्जेक्ट का, तो इसमें जो 8 सब्जेक्ट हैं आपके, इसमें जो है हर सब्जेक्ट में से 17, 18, 19 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, यानी कोई भी सब्जेक्ट आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है, इसको जो है वो आप फॉलो करें, आपको वाकई में इससे जो है वो बहुत फायदा होगा। यदि आपने पहले से ही अपना टाइम टेबल डिसाइड किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, उसी को फॉलो करते रहें। खुद जो है आप यदि अपने तरीके से चलना चाहते हैं, बिल्कुल वो करें, ठीक है। और जो बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो ये टाइम टेबल फॉलो करें, बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से ये टाइम टेबल मैंने डिसाइड किया है और मैंने भी इसको फॉलो किया था। 10 घंटे, देखिए पढ़ाई बहुत होती है, 10 घंटे जो है वो बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि रेगुलर करनी है तो 10 घंटे। अब कई जो है वो 12 घंटे 13 घंटे एक दिन पढ़ के और दूसरे दिन जो है वो बिल्कुल सो रहे हैं या हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, तो वो बात अलग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है रेगुलर रहना, ठीक है। यदि आप रेगुलर रहते हैं तो आप जो है वो सिलेक्शन 100% आपका होगा। जिस तरीके से पीछे जो भी एग्जाम हुए और मैंने आपको बताया, आपने फॉलो किया, तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो तैयारी करते हुए सिलेक्शन आप लोगों का हुआ है। जिनको विश्वास है वो फॉलो करें। तो चलिए इस तरीके से सेकंड ग्रेड की टाइम टेबल की मैंने बात कर ली है, आप लोगों की डिमांड पर ही थर्ड ग्रेड का टाइम टेबल जो है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। यदि आप उसको फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, यह बाध्यता नहीं है, खुद का आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आप उसको फॉलो करें। आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बेस्ट टाइम टेबल है, क्योंकि 10 घंटे पढ़ाई, 7 घंटे नींद, कितना अच्छा तरीका है आप लोगों का पढ़ाई करने का। और देखिए 2 पेपर हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।